हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों को, मैं अपने रेस्पेक्टेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को 6 सजेशंस देने जा रहा हूँ, जिसमें से मैं 3 दे चुका हूँ। तीनों ही वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं, उसको कमेंट कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सो दैट कि बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। और ये सब ग्रुप डिस्कशन टॉपिक भी है, इंटरव्यू टॉपिक भी है। अगर आप ये सजेशंस देख रहे हैं कि किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है, वहाँ पे इंटरव्यू में भी आप जवाब दे सकते हैं। ये सिर्फ सजेशंस के रूप में नहीं देखना चाहिए आप लोगों को, एज ए स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। एज एन एग्जीक्यूटिव मैनेजर अगर आप लोग किसी बड़े इंटरव्यू में जा रहे हो, तो आपको इंटरव्यू ग्रुप में पूछ सकते हैं जो भी सजेशन मैंने वहाँ दिया है। आज मैं 4th सजेशन, टॉप 4 सजेशन देने जा रहा हूँ अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को। उनको वैसे सजेशन देने की जरूरत नहीं है, उनको तो मैं पहले से मान के चल रहा हूँ। एक बहुत ही ईमानदार आदमी, बहुत ही स्ट्रांग कैरेक्टर के आदमी, बहुत ही स्ट्रांग इंटेंशन के आदमी, जो कि एक स्ट्रांग नेशन बनाने की तरफ 7 ईयर्स से कोशिश कर रहे हैं, अग्रसर हैं, है ना। फिर भी 25 साल का रिसर्च है मेरा। मैं चाहता हूँ कि मैं वाजपेयी जी के साथ नहीं शेयर कर पाया, इनके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उस पर, वाजपेयी जी गवर्नमेंट एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी, स्थिर गवर्नमेंट नहीं थी। उनकी गवर्नमेंट को कोई भी गिरा सकता था, इसलिए मुझे लगा कि बेकार है कोई सजेशन देना, लेकिन इनकी गवर्नमेंट को कोई नहीं गिरा सकता। इनकी मेजोरिटी की सरकार है जैसा कि हम सब जानते हैं, इसलिए इनकी इनकी गवर्नमेंट को कोई नहीं गिरा सकता। सबसे पहला रूल कि आप बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ों को पढ़ने की कोशिश ना करें। आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो एकदम कन्फ्यूज हो जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं 1 by 1 एक्सप्लेन करता हूँ और उसको फिर समझना। 4th सजेशन जो है ये है स्मार्ट विलेज वर्सेस स्मार्ट सिटी। हमारे मोदी जी, जैसा कि आप सभी देश की जनता जानते हैं, स्मार्ट सिटी पे जोर दे रहे हैं कि इंडिया में 100 स्मार्ट सिटी होना चाहिए। स्मार्ट सिटी का डिफिनेशन क्या होता है, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम स्मार्ट सिटी क्यों चाहते हैं। क्या हम दुबई को स्मार्ट सिटी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्या हम मुंबई को कह सकते हैं? हमारे देश में एक भी सिटी स्मार्ट सिटी नहीं है, क्योंकि स्मार्ट सिटी का जो सबसे पहला फंडामेंटल है वो होता है कंट्रोल्ड पॉपुलेशन, पहला फंडामेंटल। दूसरा उसका वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तीसरा मेडिकल फैसिलिटी, उसके बाद चौथा और सब एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज जो अवेलेबल है वहां पे। लेकिन उससे भी सबसे बड़ा है कि नॉट ए सिंगल बेगर, एक भी भिखारी आपको उस पर्टिकुलर सिटी में दिखना नहीं चाहिए, किसी भी एयरपोर्ट पे, किसी भी बस स्टैंड पे, किसी भी रेलवे स्टेशन पे। क्या ये संभव है हमारे किसी भी इंडियन सिटी में? क्यों भिखारी मिलते हैं आपको किसी भी इंडियन रेलवे स्टेशन पे या इंडियन बस स्टैंड पे, लेकिन एयरपोर्ट पे तो नहीं दिखाई देता एक भी भिखारी? ऐसा क्यों होता है हमारे देश में? क्या हमारे यहाँ 100% इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है किसी भी सिटी का? एक बार बारिश होती है 24 घंटे के लिए सारे महानगर का, जिसको कि हम सो कॉल्ड मेट्रो सिटी कहते हैं, सेकेंड क्लास मेट्रो सिटी, सबकी पोल खुल जाती है? उनकी क्या स्थिति होती है, यह हम सब जानते हैं। तो फिर हम स्मार्ट सिटी किसको बनाने जा रहे हैं, किस बेसिस पे बनाने जा रहे हैं? तो हम आज जो मैं सजेशन देने जा रहा हूँ, इसलिए देने जा रहा हूँ कि मैंने उससे उनसे रिक्वेस्ट है, मेरे अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्ट है कि आप स्मार्ट सिटी पे ध्यान मत दीजिए। आप सर, आप स्मार्ट विलेज बनाने की कोशिश करिए। इसको मैं कंपेरिजन करके दिखाता हूँ। आपके सलाहकार आपको 7 ईयर से बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको बिल्कुल गलत डेटा है उनके पास, अब वो बढ़ा चढ़ा के सब कुछ देते हैं। आज मैं आपको क्लियर कट डेटा देने वाला हूँ कि स्मार्ट विलेज क्यों होना चाहिए स्मार्ट सिटी की जगह पे। सबसे पहले पॉपुलेशन, 100 करोड़ पॉपुलेशन जब विलेज में रहता है, जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश का 150 करोड़ का पॉपुलेशन है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैंने रिसर्च करके 25 साल का रिसर्च में मैं जानता हूँ 150 करोड़ का पॉपुलेशन, जो कि अभी आप 135 करोड़, 140 करोड़ बोलते रहते हैं, एक्चुअली 150 करोड़ का एज ऑन टूडे ऑल्सो। आज 25 अक्टूबर है, आज 150 करोड़ का पॉपुलेशन हमारे देश का है ना, जो कि 2.2% की दर से एवरी ईयर बढ़ रहा है एक्चुअली, टू बी वेरी फ्रेंक। तो 100 करोड़ पॉपुलेशन हमारा, 6.5 लाख विलेजेस है जो कि हमारे गांव में रहता है। शहर में सिर्फ 50 करोड़ पॉपुलेशन हो रहता है, जो कि सिर्फ 4000 सिटीज में है। हमारे देश में सिर्फ 4000 सिटीज है जिसकी आबादी मतलब 1 लाख के आसपास, 1 लाख से थोड़ा सा ज्यादा होगा। सिर्फ 7 सिटीज ऐसा है जिसकी आबादी 30 लाख से ज्यादा है या 30 लाख से कम है, जो भी है, अरेस्ट ऐसा ही है। 4000 सिटीज में रहने वाली की संख्या 50 करोड़ है। 6.5 लाख विलेजेस हमारे देश में है, उसकी जनसंख्या हमारी 100 करोड़ पॉपुलेशन हमारा गांव में रहता है। अब गांव के लोग शहर की ओर भागते हैं, क्यों भागते हैं? सबसे लास्ट फैक्टर, इसको मैं पहला फैक्टर लूंगा, पुल फैक्टर और पुश फैक्टर।
पुल फैक्टर होता है अट्रैक्शन, शहर की तरफ का अट्रैक्शन, कि वहां ज्यादा कमाने को मिलेगा, सैलरी ज्यादा मिलेगा, वेजेस ज्यादा मिलेगा, लाइफ स्टाइल ज्यादा अच्छा होगा, बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा। अब पुश फैक्टर क्या होता है गांव में, गरीबी है, बेरोजगारी है, बेकारी है, कोई काम धंधा नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर हम सब जानते हैं कितना डेवलप है हमारे देश का, तो वो पुश फैक्टर जो उसको धकेलता है गांव से शहर की तरफ, और लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं। और जब शहर में आते तब उनको पता चलता है हकीकत कि बहुत बुरी स्थिति है, झोपड़पट्टी में लोग रह रहे हैं, स्लम्स में रह रहे हैं। दिल्ली में 10 लाख लोग स्लम्स में रहते हैं, मुंबई में 40 लाख लोग स्लम्स में रहते हैं, बड़े बड़े महानगरों की क्या हालत है हम सब जानते हैं, बहुत बुरी तरह से। क्या है स्थिति, क्या है, क्यों ना हम उनको अपने गांव में ही रोक लें, जो जिस गांव का है उसको उसी गांव में रोक लिया जाए। अगर हम स्मार्ट विलेज बनाएंगे तो सब लोग अपने गांव में ही रुक जाएगा, एम्प्लॉयमेंट उनको गांव में ही मिल जाए, जैसा भी एम्प्लॉयमेंट, जिस चीज के लिए वो जाते हैं। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट की स्थिति, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ये मेरे 25 साल का रिसर्च है, इसको मैं किसी को भी चैलेंज कर सकता हूँ। इसमें सिर्फ 40% लोग एग्रीकल्चर के ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट गांव में मिलता है, उसमें उसकी इनकम सिर्फ 150 रुपये पर डे है, दैट्स इट। शहर में 10% लोगों को एग्रीकल्चर इनकम है, जिसकी इनकम 250 रुपीज पर डे है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों को छोड़ के, कुछ समृद्ध स्टेट्स राज्य के किसानों को छोड़ के, वो लोग एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन को कभी कंसिडर्ड एज ए रूल नहीं लिया जाता है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हमारे देश की जनता भी जानती है। पर कैपिटा इनकम ग्रुप में, पर कैपिटा इनकम साल का मापा जाता है, हमारे देश का पर कैपिटा इनकम ये है, जैसा कि हम सब जानते हैं, 2021 $2,000 2000 पर एनम हमारा पर कैपिटा इनकम है। इसको मैंने 75 रुपीज से गुना कर दिया कि अभी 75 रुपीज $1 के बराबर मान लीजिए हो जाता है, अभी 71-72 रुपये चल रहा है, तो 1.5 लाख रुपये साल का होता है। 1.5 लाख रुपये साल को 12 महीने से हमने डिवाइड कर दिया, ये आता है 12,500 रुपये पर मंथ, उसको 30 डे से डिवाइड कर दिया, ये आता है 416 रुपये पर डे। मतलब एक इंडियन का एवरेज इनकम जो है 416 रुपीज पर डे है। क्या ये सच है सर? ये आप भी जानते हैं। 6.5 लाख विलेजेस में आपको लगता है कि 416 रुपये पर डे लोग कमा रहा है? आप जाइए वो देखिए, वो सर्वे करके देखिए। मैंने आपको पहले ही कहा हमारे देश में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो भी पब्लिक डीलिंग से डील करता है, 99% गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 99% लोग बेईमान है, उनके खून में बेईमानी है, उनका खून जो है ना बेईमानी कैंसर दौड़ रहा है, वो आपको कभी सही रिपोर्ट नहीं देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। आप इंडिया से बेईमानी को खत्म नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत सुधार सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो का सजेशन में कहा था, आपसे रिक्वेस्ट किया था, शिफ्ट ड्यूटीज करिए, टॉप से लेकर बॉटम तक सबको हर साल ट्रांसफर करिए, चपरासी से लेकर संतरी से लेकर मंत्री तक, तब जाकर थोड़ा सा बेईमानी रुकेगी। क्योंकि 60-गांठ जैसे ही शुरू होता है, जब लोग कहीं बैठ जाते हैं काम करने के लिए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, वहीं से बेईमानी शुरू होती है। उसको तोड़िए आप, ब्रेक द चेन, सब कुछ टूट जाएगा। अब इसका इनकम देखिए, 20% डेली वर्कर है गाँव में, जिसकी इनकम लेस देन 100 रुपीज है। 416 रुपये तो बहुत दूर की बात है सर, किसी कीमत पर नहीं है, है ना। एक बार हमारे कांग्रेस के मंत्री ने कह दिया था 33 रुपी जो इंडियन कमाता वो अमीर है। इतने शर्म की बात है हमारे देश के लिए, उनके लिए भी। वो 33 रुपये जो कुछ भी खरीद कर दिखा दे, तो पूरा दिन भर का राशन भी खरीद कर दिखा दे तो मैं मान जाऊं, है ना। 40% किसी के पास जॉब नहीं है, वो सीजनल काम करते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल काम करते हैं, है ना, जिन बिलो पॉवर्टी लाइन है 40% लोग हमारे देश का है, और जिनकी इनकम 50 रुपये से भी कम है। अब शहर में 10% ड्यू टू एग्रीकल्चर, जिनकी इनकम 250 रुपीज पर डे, जैसा कि मैंने कहा। 70% ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग अदर सेक्टर की वजह से, लेस देन रुपीज थाउजेंड पर डे, मतलब अगर मान ली 1000 भी है तो 30,000 रुपये पर मंथ, दैट्स इट। और 20% नो जॉब है, फिर से सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, जिनकी इनकम लेस देन रुपीज 100 शहर में भी है। जितने लोग प्लान कर रहे हैं गाँव से शहरों की तरफ भाग रहे हैं, आपने फिक्स किया है कि आप 416 रुपये पर डे कमाता है, आपको जान कहरानी होगी, 180 रुपये पर डे भी नहीं मिलता है। कुछ वर्कर्स को तो 120 रुपये भी पर डे नहीं मिलता है। 5-5 साल दिल्ली में रह के, कलकत्ता में रह के, मुंबई में रह के, सब जगह बड़े जहाँ जहाँ बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं, उनको रहने तक की जगह ठीक से नहीं है, 3-4 टाइम खाने का खाना नहीं है। आप 3000 कैलोरीज की बात करते हैं, उनको 1000 कैलोरीज भी नहीं मिलता है, क्योंकि 416 रुपये पर डे बहुत बड़ा अमाउंट होता है। क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,500 रुपये पर मंथ
इंडिया में इनकम 90% लोगों की नहीं है सर, ये बात आप भी जानते हैं। 150 करोड़ का पॉपुलेशन है, उसमें सिर्फ 4% लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना, 6 करोड़ में या 7 करोड़ मान लीजिए, क्योंकि 3.5 करोड़ तो रिटायर्ड है और 3.5 करोड़ आपके यहाँ काम कर रहे हैं अभी फिलहाल प्रजेंट, 7 करोड़। 1% लोग प्राइवेट सेक्टर का जो बहुत अच्छे जगह पर काम कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं मान लीजिए, तो टोटल कितना हुआ सर, 5% ही हुआ ना, 150 करोड़ का 5%, 6% लीजिए आप, 9 करोड़ लोग मैक्सिमम, 9 करोड़ लोगों के पास ढंग से खाने पीने का है, चारों टाइम का ढंग से पहनने का है, उसमें से कुछ लोगों के पास लग्जरी है, लाइफ स्टाइल है, कम्फर्ट्स है, वॉट अबाउट द रेस्ट सर, 6%, उसके बाद 94% कहाँ गया? आप पूरा 10% ले लीजिए, कि इंडिया में 150 करोड़ में 10% में 15 करोड़ लोगों के पास सब कुछ है मान लीजिए, उसके बाद रेस्ट 90% लोग, वो लोग कहाँ गए? इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्मार्ट विलेज बनाएंगे, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्सरी सेक्टर हो, सब चीज आप स्मार्ट विलेज में लगाइए, क्योंकि विलेज में अभी भी जगह है, शहरों में तब जगह भी नहीं रहा क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, आप लगाएंगे कैसे? विलेज में पूरा पाया अभी भी, ताकि पूरा विलेज खाली है, वहीं कर सकते हैं आप ये सब। जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा सारा विलेज को सारे सिटी से आप जोड़िए, जो कि अभी भी अपहिल टास्क है, बहुत मुश्किल है जोड़ना, आप कोशिश कर रहे हैं, हमें पता है, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं आपके सारे डेवलपमेंट को, मैं बहुत बारीकी से वॉच करता हूँ, मैं आज से नहीं 25 सालों से सबका कर रहा हूँ, लेकिन और सब लोगों को तो मैं बोल नहीं पाता था, मैं जानता हूँ उनकी क्या स्थिति है, बोलने जाएंगे तो खुद मेरे ऊपर ही सब आ जाएगा, दोष आ जाएगा, इसीलिए ये सब चीज़ मैं नहीं जानता था, लेकिन आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ ये मान के कि आप एक ईमानदार नेता हैं, ईमानदार सम्राट हैं, एक सम्राट को मैं ये बता रहा हूँ, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, आप खुद ऑलरेडी बहुत ही समझदार हैं, लेकिन आपके सलाहकार सब जो है मुझे नहीं लगता कि आपको सही सलाह दे रहे हैं, आप स्मार्ट विलेज की तरफ जाएं, और स्मार्ट विलेज का ये फिगर आपके सामने, ये 25 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, आपका एक भी सलाहकार मुझे चैलेंज नहीं कर सकता, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, और यही स्थिति हमारे गाँव की है, 416 रुपये पर डे तो बहुत दूर की बात है सर, 100 से 250 रुपीज मैक्सिमम अगर किसी गांव के लोगों को मिल जाए तो ये उनके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। आज भी गांव में देख लीजिए कितनी बुरी स्थिति, 100 रुपये पर डे लोग नहीं कमा पा रहे, इसलिए क्या हालत हो गया, सब चाहता है कि दूसरे के घर का चूल्हा ना जले, किसी तरह से दूसरों को लूटें, खसोटें, बेवकूफ़ बनाएं, बेइज्जत करें, उल्लू बना के पैसा कमाएं, ये इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि गाँव में कुछ नहीं है, वहाँ पर पुल और पुश फैक्टर दोनों काम करता है, शहर की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं, शहर जा रहे हैं वापस आ जा रहे हैं, जहां मौका लगा कुछ चोरी करके भागा है, उसको जा ही नहीं पाते, क्या फायदा, इतनी गरीबी है, बेकारी है गांव में, लोग आपको टॉन्ट मारते हैं, कमेंट मारते हैं, आप चाहते हैं कोई फायदा नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट टॉप 4 सजेशंस फ्रॉम माई साइड, मेरे तरफ से सर आपको, हमारे देश की जनता को, अगर आपको लगा कि लॉजिकली सही है तो इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, फॉरवर्ड को जरूर करिएगा, है ना, अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव से, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर अपना कमेंट दीजिएगा कि आपको यह कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगनिंग।